जब भी हम कोई स्मार्ट टीवी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम हमारा बजट देखते हैं और उस बजट के अंदर हमें कौन सा बेस्ट टीवी देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। और साथ ही साथ उस टीवी में हमें कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, मतलब जैसे कि यूट्यूब हो गया या कुछ भी हो सकता है, टीवी के फंक्शंस हो सकते हैं, कौन कौन सा साउंड क्वालिटी कैसी हो सकती है, डॉल्बी हो सकता है या नहीं, साथ ही साउंड का आउटपुट कितना है, 20 वाट है, 60 वाट है, 30 वाट है, हम उनको उस साउंड को हमें क्या होम थिएटर लगाना पड़ सकता है उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद ये एक स्पेसिफिक टीवी खरीदते हैं और उस टीवी का हम बढ़िया तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। साथ ही हम हमारे डिस्प्ले साइज़ होता है, मतलब जो टीवी का साइज़ होता है उसको भी डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा डिस्प्ले साइज़ टीवी लेना है, 43 इंच लेना है, 50 इंच लेना है या 55 इंच लेना है। ऐसे कुछ हम पॉइंट को जो है ऐसे पॉइंट को हम नोट डाउन करते और एक पेपर पर बनाकर ऐसे पॉइंट को अपने दिमाग में सोच लेते और उसके बाद ही हम एक परफेक्ट टीवी चूज़ करते। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में बताने वाले कि आप एक परफेक्ट टीवी कैसे चूज़ कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक परफेक्ट टीवी चूज़ करने के लिए। मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि आप मेरे लिए यही टीवी एक परफेक्ट टीवी बन सकते हैं, चाहे वो कौन सा भी कंपनी का, मतलब सैमसंग, सोनी, MI, रियलमी, ऐसे कौन सा भी कंपनी का एक बेस्ट टीवी आप कैसे चूज़ कर सकते हो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम स्मार्ट टीवी लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? स्मार्ट टीवी की स्क्रीन साइज, कि हमें कितने इंच का स्मार्ट टीवी लेना है, क्या 43 इंच का लेना है, 50 इंच का लेना है या 55 इंच का लेना है। तो स्मार्ट टीवी की जो हम स्क्रीन साइज जो डिसाइड करते हैं उसी के हिसाब से हम स्मार्ट टीवी लेते हैं। और उसके बाद में आता है कि हम उस स्मार्ट टीवी का कैसा यूज़ करने वाले, गेमिंग के लिए यूज़ करने वाले, ऑनलाइन शोज देखने के लिए यूज़ करने वाले या फैमिली शोज देखने के लिए यूज़ करने वाले, उसी के हिसाब से भी हम स्मार्ट टीवी को कंसिडर करते हुए उस स्मार्ट टीवी को परचेज करते हैं। और ये सब टोटली डिपेंड करता है आपके बजट पर कि आप एक स्मार्ट टीवी पर कितना बजट टोटली पे करने को तैयार हो, मतलब कितना आप एक स्मार्ट टीवी के लिए खर्च कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप एक स्मार्ट टीवी लेने से पहले आप एक डेमो स्मार्ट टीवी जरूर बना सकते हो, मतलब एक पेपर का कटआउट लीजिए और जो स्मार्ट टीवी की डायमेंशन है वो अपने पेपर पर तैयार कीजिए और वो डायमेंशन, मतलब जो पेपर आप तैयार करेंगे उसको वॉल पर चिपका दीजिए। उससे क्या होगा, आपको एक्चुअल में पता चलेगा क्या वो स्मार्ट टीवी आपके घर में फिट हो रहा है, मतलब वो सही दिख रहा है या नहीं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ज़्यादा छोटा हो रहा है, उसके हिसाब से भी आप अपने स्मार्ट टीवी का डिस्प्ले साइज भी चेंज कर सकते हो। साथ ही हमें स्मार्ट टीवी में 4K डिस्प्ले भी मिल जाते हैं। और अगर आपका बजट 15 से 30 हज़ार है और आपकी रूम जो है वो छोटी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप फुल HD स्मार्ट टीवी की तरफ भी जा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका स्मार्ट टीवी तो छोटा होगा लेकिन आपके रूम में वो एकदम बढ़िया दिखेगा क्योंकि आपकी रूम ऑलरेडी छोटी होगी। अपने रूम साइज के हिसाब से भी आप स्मार्ट टीवी ले सकते हो, उससे आपका स्मार्ट टीवी अट्रैक्टिव भी लगेगा और बढ़िया भी लगेगा। स्क्रीन साइज के बाद दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें टीवी खरीदते वक्त जरूर देखनी चाहिए, वो है स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन यानी कि हमारे टीवी के पिक्सल्स, जो कि हमें टीवी में जो पिक्चर क्वालिटी है उस पिक्सल्स की मदद से वो पिक्चर क्वालिटी और बढ़िया दिखाई देती है, मतलब पिक्सल्स में से वो पिक्चर रिफ्लेक्ट होकर जो मिरर इमेज है वो स्क्रीन साइज में जो पिक्चर क्वालिटी आती है वो बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आती है जिससे पिक्चर जो है नेचुरल और कलरफुल दिखाई देता है। वैसे अभी हमारे इंडिया में सभी जो कंपनी है जो टीवी मैन्युफैक्चर करती है वो अभी 4K टीवी बनाती है जिससे हमें पिक्चर क्वालिटी बेहतर और बढ़िया मिलती है। साथ ही साथ हमें 4K के साथ ही 4K अल्ट्रा HD, 4K क्रिस्टल अल्ट्रा HD जो कि यूजुअली सैमसंग टीवी में हमें दिखाई देते हैं, और 4K HD ऐसे भी वेरिएंट्स मिलते हैं जिससे कि हम अपने बजट के हिसाब से कौन से भी वेरिएंट पर जा सकते हैं क्योंकि सभी वेरिएंट बढ़िया पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही हमें इस टीवी में प्री इंस्टॉल ऐप्स मिलते हैं जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिजनी प्लस हॉटस्टार, ऐसे प्री इंस्टॉल ऐप मिलते हैं जिससे हम अपने टीवी को ईजिली यूज़ कर पाते हैं और बढ़िया से बढ़िया आसानी तरीके से हम हमारे टीवी को एक्सप्लोर करते हैं और ईजिली यूज़ करने के साथ ही हम हमारे टीवी को एंजॉय भी कर पाते हैं। हमने स्क्रीन साइज और स्क्रीन रेजोल्यूशन तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अब बढ़ जाती है डिस्प्ले टाइप की कि हम आखिर डिस्प्ले कौन सा ले, क्या वो LCD ले, LED ले, QLED ले या OLED ले, इनमें से हमारे लिए कौन सा डिस्प्ले परफेक्ट हो सकता है। अगर हम LED LCD डिस्प्ले के बारे में बात करें इनमें सबसे पहले हम पैनल की तरफ देखते हैं, इस जो पैनल शेप है वो कैसा है, क्या वो थोड़ा सा कर्व है, क्या रेक्टेंगुलर है, और स्क्रीन जो स्क्रीन है वो कैसी है, उसका स्क्रीन का जो क्वालिटी है वो कैसा है, उसके बारे में भी हम देखते हैं। और जब हम LED पैनल की तरफ देखें तो जो LED पैनल है वो हाई एंड टीवी में लगाए जाते हैं, मतलब LED पैनल
हाई एंड टीवी में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें हमें जो बैक लाइट रिफ्लेक्ट करे वो और ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है, और जो LED पैनल है वो अपने लाइट को कम ज़्यादा अपने फंक्शंस के हिसाब से करता रहता है, जिससे उस पैनल की जो कीमत, मतलब जो वो पैनल है वो यूजुअली हाई एंड टीवी में ही इसकी वजह से ही यूज़ किया जाता है कि उसकी पिक्चर क्वालिटी और रिफ्लेक्टेड हुए हुई बेहतर और बढ़िया तरीके से कैसे दिखाई जा सकती है उसी के बारे में इस पैनल में हमें दिखाई देता है। अगर बात करें LCD पैनल के, तो LCD पैनल नॉर्मल टीवी में यूज़ किया जाता है। नॉर्मल टीवी मतलब जो हमारे यूजुअल हम डेली यूज़ करते हैं, जो बेसिक टीवी होते हैं, 4K TV होते हैं, उसमें हमें LCD पैनल दिखाई देते हैं। LCD पैनल ये क्वांटम टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, जो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी हम कहते हैं वो LCD पैनल में यूज़ की जाती है, जिससे वो डॉट से पिक्चर रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन में हमें बढ़िया तरीके से दिखाई देती है। पिक्चर की क्वालिटी भी बढ़िया तरीके से हमें इस LCD पैनल में मिलती है, और इस LCD पैनल यूजुअली सभी टीवीज़ में यूज़ किए जाते हैं। अगर बात करें OLED पैनल की, तो OLED पैनल LCD के बाद आते हैं, मतलब LCD के बाद में जो आता है OLED पैनल, उससे LCD पैनल से भी वो बढ़िया पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन OLED पैनल के जो टीवीज़ होते हैं उनकी भी प्राइस हाई होती है, मतलब वो भी महंगे आते हैं। और फिर आते हैं QLED बारे में, मतलब जो QLED पैनल है वो यूजुअली सैमसंग तैयार करता है, मतलब जो QLED टीवी है वो सैमसंग बनाता है। QLED मतलब क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी, वो सैमसंग तैयार करता है। उसमें क्या होता है, वो सैमसंग अपने पिक्चर क्वालिटी को 10 साल की वारंटी देता है, जो कि पिक्चर क्वालिटी 10 साल तक बंद नहीं होगी, उससे भी सैमसंग की तरफ वो खास जो वारंटी है वो दी गई है। तो ये सैमसंग का अपना खुद का स्पेशल फीचर है, वो अपने ही टीवी के लिए वो सीमित है, वो किसी और टीवी में यूज़ नहीं करती, मतलब कोई भी दूसरा टीवी क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी यूजुअली यूज़ नहीं करती, वो खुद का अपना फीचर है, वो 10 साल की वारंटी है, वो स्पेशल सैमसंग टीवी में ही अप्लाई की जाती है। डिस्प्ले टाइप के बाद आता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट भी हमारे टीवी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रिफ्रेश रेट की वजह से ही हमारा टीवी स्मूथ और फास्ट चलता है। रिफ्रेश रेट में हमें 3 यूजुअल रिफ्रेश रेट दिखाई देते हैं, जो कि 60Hz, 90Hz और 120Hz। ये तीनों रिफ्रेश रेट सभी यूजुअली टीवीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। 120Hz जो रिफ्रेश रेट है वो हाई फ्रेम रेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस टीवी में हमें गेमिंग खेलनी हो उस टीवी में हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसकी वजह से हमारा टीवी का जो गेमिंग है वो स्मूथ और फास्ट चलता है, और जो भी हम PS5 या PS4 जो भी हम PlayStation उसमें कनेक्ट करते हैं वो भी इजीली उस टीवी को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम टीवी में भी गेमिंग का बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद टीवी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टीवी की कनेक्टिविटी, कि हम टीवी में कितने कनेक्शंस कर सकते हैं, टीवी में हमें कितने USB पोर्ट मिल रहे हैं, कितने HDMI पोर्ट मिल रहे हैं, हमें वाईफाई केबल लगाने के लिए जगह है या नहीं, साथ ही इंटरनेट या कुछ कोई भी हमें पोर्ट लगाने के लिए जगह है या नहीं, कितने पोर्ट्स मिल रहे हैं, 2 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं, 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ टीवी में हमें स्टोरेज भी कितना मिल रहा है, इंटरनल कितना है, रैम कितना है, वो भी हमारे टीवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। जब भी आप एक स्मार्ट टीवी खरीदो तो उसमें आपको क्या क्या फंक्शंस मिल रहे हैं, उसमें आपको गूगल मिल रहा है या नहीं, एंड्रॉयड मिल रहा है या नहीं, ये सारे चीज़ें ज़रूर चेक कर ले, और साथ ही फंक्शंस के साथ आपको उसमें क्या नई चीज़ें मिल रही है, एंड्रॉयड ऐप्स मिल रही है या नहीं, जो हमारे एंड्रॉयड ऐप्स है उसमें मिल रही है नहीं, कितनी ऐप्स मिल रही है, ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर चेक कीजिए, उसके बाद ही कौन सा भी स्मार्ट टीवी हो आपको जो मनपसंद स्मार्ट टीवी वो खरीदने का सोचिएगा। इन सब चीज़ों के बाद आपको एक आखिरी चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए, वो है अपने स्मार्ट टीवी की साउंड क्वालिटी। आप अपने स्मार्ट टीवी में कैसे साउंड क्वालिटी देखना चाहते हैं, डॉल्बी डिजिटल देखना चाहते हैं या नहीं, DTS है या नहीं, साथ ही इस साउंड क्वालिटी में आपको ब्लूटूथ कनेक्शन मिल रहा है या नहीं, अगर ज़रूरत हो तभी आप एक साउंड बार ले सकते हो, तो साउंड बार लेने से क्या होगा, वो साउंड जो है टीवी का और लाउड और क्लियर आएगा, लेकिन यूजुअली अगर ज़रूरत नहीं हो तो आप टीवी का भी साउंड यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। साथ ही साथ टीवी के साउंड क्वालिटी में आप बेस है या नहीं वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा, जिससे क्या होगा टीवी का जो साउंड क्वालिटी है वो क्लियर और लाउड सुनाई देगी, तो साउंड क्वालिटी देखते हो इन सभी चीज़ों को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप प्रोडक्ट पसंद आएगा। अगर आपका स्टूडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो मुझे कमेंट करना ना भूले। अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहता हूं। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।